गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक नया गाना के संग आया हूँ। गाने का नाम है कलंक। तो कलंक की हम टैग्स करेंगे, मूवी का नाम भी कलंक ही है, ठीक है ना। तो कैसे इसकी टैग्स प्ले की जाती है मैं बताऊंगा, आप देखेंगे मेरे स्क्रीन पर टैग्स को और फॉलो करेंगे मेरे साथ। सो लेट्स गो एंड लर्न दिस। तो गाने का स्केल है ए शार्प मेजर, ठीक है। तो कहां से शुरू करेंगे हम इस नोट से शुरू करेंगे इस गाने को, ठीक है ना। देखो तो देखो पहली लाइन कैसे आएगी, हवाओं में बहेंगे घटाओं में रहेंगे, कैसे, सिंपल है। क्या करना है बोलो, बी स्ट्रिंग है, बहुत सिंपल है। स्क्रीन पर देखो टैब तो फॉलो कर मिलता, ठीक है ना। फिर घटाओं में रहेंगे, हम इन्वॉल्व करेंगे अपनी डी स्ट्रिंग फिर, ठीक है ना। कैसे कर रहे हैं देखो, पहला, ठीक है, फिर ये वाली इंक्लूड कर ली, ठीक है। फिर यही शुरू करेंगे, कैसे किया, फिर जी स्ट्रिंग पुल ऑफ 5-2-3, ठीक है। यहां पे आए 6 फ्रेट पे बादल पिया, ठीक है। इसको एक बार कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बी इन्वॉल्व करी, फिर यहीं से इधर आए, फिर दो दो स्ट्रोक्स यहां करेंगे। आप स्लाइड भी कर सकते हो बैक स्लाइड से, या हिट करने हैं तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है जो तेरे में रहे, तो ये बिल्कुल सेम रहेगा पहले की तरह, जो तेरे में रहे, तो वापस सेकंड वाला भी सेम है, किसी के ना रहेंगे, सिंपल है बहुत। फिर यहीं शुरू करेंगे, दीवाने तू मेरे, ठीक है, सिंपल है। तो नेक्स्ट आता है हजारों में किसी की, कैसे, स्लाइड भी यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा देखो, हजारों में किसी, 8 फ्रेट तक स्लाइड करेंगे इस तरह से, फिर तक दिखे ऐसे, कैसे, इसको हम क्या कर रहे हैं, पुल ऑफ 7-6-2-3, ठीक है। थर्ड पुल ऑफ किया तकदीर ऐसी, ठीक है। फिर लिखी है एक रांझा, लिखी है एक रांझा, कैसे, सेम है, ठीक है। इसमें थोड़ा इफेक्ट देने के लिए आप ये कर सकते हैं स्लाइड, ठीक है। लिखी है एक रांझा, फिर वही पुल ऑफ एक हीर जैसी, ठीक है, सिंपल। फिर नेक्स्ट ये पहले वाले आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल जो पहले बजाया था वही ये प्ले होगा, न जाने ये जमाना क्यों चाहे है मिटाना, फिर ये बिल्कुल पहले वाला है, ठीक है। फिर कलंक नहीं बस, ये बाप ने जो प्ले किया ये बिल्कुल सेम है पहले की तरह, ठीक है। फिर से देखो, हजारों में किसी की तक दिखे ऐसी, ठीक है। फिर लिखी है एक रांझे, फिर एक हीर जैसी, ठीक है। फिर वापस पहले वाला ना जाने ये जमाना, ये सेम है। फिर क्यों चाहे है मिटाना, ये भी सेम है। फिर कलंक नहीं, ये भी सेम, इश्क है ये।
तो बस ये आज की टैप्स थी, बड़ी प्यारी सी थी और बड़ी सिंपल थी। देखो आज मेरी क्या है, एक ई स्ट्रिंग टूटी हुई है, मेरे पास ई स्ट्रिंग नहीं है, बट ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो निराश हो जाते हैं, एक उनकी स्ट्रिंग टूटती है तो वो सोचते हैं कि हम गिटार प्ले नहीं कर पाएंगे। बट आप कई सारे ऐसे गाने हैं जो बिना इस फर्स्ट स्ट्रिंग के प्ले कर सकते हो। जैसे हमने आज प्ले किया कलंक, इसमें हमने ई स्ट्रिंग यूज ही नहीं की, इसमें उसकी यूज ही नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको ये जरूर चेंज करूंगा, बदलूंगा इसको, बट ये गाना बिना ई स्ट्रिंग के इजिली बच सकता है, ठीक है। तो इसे प्लीज ट्राई करें, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसे अच्छे से सीख सके। चलिए मीट अगेन, प्लीज कीप प्लेइंग एंड प्लीज कीप लर्निंग।